हेल्थ टिप्स। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। आज के ज़माने में युवाओं को फैशन के लिहाज से बालों की चिंता सबसे ज़्यादा सताती है, चाहे लड़का हो या लड़की। हर कोई बालों की किसी न किसी तरह की समस्या से परेशान है। किसी के बाल बहुत जल्दी कम हो जाते हैं तो किसी के बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। किसी के बाल दो मुहे के हो जाते हैं तो कोई सफ़ेद बालों से परेशान होता है। इन सब समस्याओं के बावजूद बालों का टसन सबको दिखाना है। हर कोई बालों को सुंदर, घना और काला बनाने के उपाय खोजता रहता है। यहाँ हम आपको बालों की इन सभी समस्याओं से मुक्त करने के लिए घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप बालों में हर तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल योर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बालों के लिए रामबाण है अरंडी। दरअसल अरंडी के तेल में ट्रिसिनोलेइक एसिड होता है, जो स्कैल्प के पीएच लेवल को संतुलित रखता है, जिससे सिर पर बालों को स्वस्थ रखने वाले नेचुरल ऑयल की कमी नहीं होती। इसमें ऐसे कई गुण होते हैं जो बालों को स्वस्थ बनाने के साथ साथ डैंड्रफ, दो मुहे बाल और स्कैल्प इन्फेक्शंस जैसी कई समस्याओं को भी दूर करते हैं। बालों को घना और लंबा करता है। इस तेल की नियमित मालिश से न सिर्फ बाल तेजी से बढ़ते हैं बल्कि मजबूत भी होते हैं। इससे तनाव भी दूर होता है। अगर बालों को लंबा और घना करना है तो अरंडी के तेल में नारियल तेल की कुछ बूंदें मिला दें और इसके बाद सिर पे मालिश करें। मालिश से तेल स्कैल्प के अंदर जाकर बालों के रूखे फॉलिकल्स को नरम करता है। इस तेल में ओलिक और लिनोलिक एसिड होता है, जो बालों को नरम कर उसे सीधा बनाता है, खुजली और पैचेस दूर करता है। अरंडी के तेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। अरंडी के तेल से कम 10 मिनट तक मालिश किया जाए तो सिर में रक्त संचार सुचारू रूप से चलने लगता है, सफ़ेद बाल नहीं आएंगे। अरंडी के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बाल सफ़ेद होने से रोकता है। अरंडी के तेल में सरसों तेल मिलाकर बालों की मालिश करने से बहुत फ़ायदा होता है। इससे बालों को अपना पिगमेंट वापस पाने और स्कैल्प पर रक्त प्रवाह बढ़ने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल योर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे।